बीती रात करीब 2 बजे एक कार की जबरदस्त टक्कर हो गई जिसमें 3 लोग पूरी तरह जख्मी हुए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक निजी टीवी चैनल की इंडिका कार अपने कर्मचारियों को घर छोड़ने जा रही थी और रेड लाइट पर खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक इंडिगो कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस इंडिगो कार को चलाने वाले शख्स को DSP दर्जे का पुलिस अधिकारी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुलिस अफसर को हिरासत में ले लिया है और घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। संजय सिंघानिया बताया जाता है नाम इस DSP दर्जे के पुलिस अफसर का जिसने एक जोरदार टक्कर मारी एक रेड लाइट पर खड़ी इंडिका कार को। खुद इंडिगो कार में सवार था। जैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मन कर ठोका आपने, मन कर यार, मन कर, गलती हो जाती है मन कर ठोका आपने, मन कर यार, मन कर, गलती हो जाती है। मतलब ये नहीं कि उसको ऐसे मन कर यार, मन कर, जैसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मन कर, मन कर, जोड़ के बोल रहे हो, बंद कर ले यार, 2 मिनट बंद कर ले, बात कर ले, है ना, बंद कर, 2 मिनट को ठोका आपने, बंद कर यार, बंद कर, गलती हो जाती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोरदार टक्कर की जो बीती रात राजधानी दिल्ली में हुई दो कारों की। एक इंडिका कार रेड लाइट पर खड़ी थी और उसी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी इंडिगो कार में, जिसमें आप देख सकते हैं पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है, DSP दर्जे का पुलिस अफसर बताया जाता है संजय सिंघानिया, जिसकी इंडिगो कार ने जोरदार टक्कर मारी इंडिका कार को, जिसमें मौजूद लोगों में से 3 लोग बुरी तरह जख्मी है जिन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।